नमस्कार, हमारे इस विशेष शो में आपका स्वागत है। तो काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उसी के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया। अब हर दिन आपको नए नए गठबंधन, नए नए समीकरण और नई तरीके की टक्कर भी देखने को मिलेंगे। बड़ी रोचक खबर आज की यह है कि बाहुबली पप्पू यादव ने यूपी के चंद्रशेखर आजाद के साथ एक नया गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रखा है। वहीं दूसरी एक रोचक खबर ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जेडीयू उन्हीं की पत्नी को मैदान में भी उतार सकता है। तो ऐसे ही तमाम समीकरणों और रोचक खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर सुमित पांडे। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित, आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में दो महागठबंधन तो साफ साफ सामने दिखाई दे ही रहे हैं, महागठबंधन है और एनडीए है, कोई नया भी बन सकता है। तो आपने कहा था बिल्कुल नए गठबंधन की संभावना रहेगी और वो दिखाई देंगे, और आपकी खबर, आपकी बात एक बार फिर सही साबित हुई है। पप्पू यादव ने एक नया अलायंस बनाया है उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद के साथ और दो लोग और लोगों को जोड़ा है और इसका नाम पीडीए रखा है। तो ऐन चुनाव से पहले जो अचानक इस तरीके के गठबंधन अलायंस उभर कर बनकर सामने आ जाते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है? थोड़ा सा ये समझाएं, आखिर इनके बनने की क्या वजह होती है? देखिए, एक चीज तो पहले महत्वपूर्ण अभी यह है कि बिहार में सीटों चुनाव से पहले ये जो मंथन है सीटों को लेकर, ये आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होने वाला है। जी और पूरी लड़ाई जो मैंने आपसे कहा है कि वो इसी बात की है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के सामने आए। इसमें हर तरह का गुणा भाग दांव पेच चल रहा है। इसमें अपनी सीटें तो बढ़ानी बढ़ानी है, दूसरे की सीटें भी कम करनी है, तो चाहे अपने गठबंधन का ही साथी क्यों ना हो। तो पहले तो ये हो कि भैया तो वो कम सीटों पर चुनाव लड़े, हम ज्यादा पे लड़े, या जिन पे लड़े हो सकता है उसमें भी उनको नुकसान हो। तो और साथ में नए नए गठबंधन, क्योंकि छोटे छोटे दल जो हैं यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में, जो कास्ट बेस या सब रीजनल बेस दल है, वो काफी उभर के सामने आए। जी तो उसमें पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसमें ओवैसी साहब अपना दल बना के उभरे हैं, उसमें वीआईपी पार्टी जो है मल्ला की, वो एक उभर के आई। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी आरएसएलपी है, एचएएम है। तो दो बड़े घटकों के बीच अगर इनको जगह नहीं मिलती तो ये कहीं कहीं वोट काटने के लिए, दूसरे को नुकसान करने के लिए, एक तो ये उनका कोशिश होगी कहीं कोर सीटों पर वो चुनाव जीत जाए, जहां जहां उनके मजबूत उम्मीदवार हैं और समीकरण बैठे तो अपनी सीटें निकाल लें। और उसके अलावा उनकी भूमिका दूसरों को नुकसान पहुंचाने की काफी महत्वपूर्ण होती तो क्या ये स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं? है। राजनीति में स्पॉन्सर्ड हर चीजें समय व्यवस्था और परिस्थिति को देख के आदमी अपने निर्णय करता है, और दूसरी पार्टी या दूसरा दल अपने स्वार्थ या अपने फायदे को लेके इन चीजों को समर्थन करता है या उसका विरोध करता है। नीतीश कुमार से टूट के गए थे मांझी, वापस आए क्योंकि नीतीश कुमार को उनकी आवश्यकता थी और मांझी को भी लगता था कि वहां जाके शायद उनकी स्थिति बेहतर होगी। जी परसों तक कुशवाहा जी आरएलडी के साथ थे, लेकिन उनको जब लगता है कि वहां पर उनको सीटें कम मिलेंगी और हो सकता है कि आरएलडी उनको बहुत ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी को सीटें मिली हैं लेकिन वो हार गए, जी और कहा ये भी जा रहा था कि आरएलडी चाहती थी कि कई सीटों पर चाहे वो टिकट ले लें लेकिन कैंडिडेट आरएलडी के रहे। तो हो सकता है अगर उनको नीतीश कुमार की इस समय की स्थिति के हिसाब से वहां एक अच्छी डील मिलती तो वहां जाएं। तो राजनीति में तो हर आदमी अपना स्वार्थ या अपनी फायदा या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम उठाता है, और उसी के तहत ये जो नया गठबंधन की बात है उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है जी कि मान लीजिए अगर आरएलडी और कांग्रेस के बीच अगर नहीं बनता मामला और जी कांग्रेस अगर इस गठबंधन को ज्वाइन कर लेता है, तो ये अपने आप में आरएलडी के लिए नाक में दम करने वाला है गठबंधन हो जाएगा। जी क्योंकि आरजेडी का जो मोबिलाइजेशन है माइनॉरिटी और यादव का, खासकर माइनॉरिटी का, वो ऑप्टिमम तब होता है जब कांग्रेस जनरली उसके साथ रहती है। ये ओके बात हमने 2009 में बड़ी स्पष्ट देखी जब रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को किनारा करके किनारे चले गए थे। कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती दो ही, लेकिन कई जगह पर इतना नुकसान किया कि वहां पर जदयू और बीजेपी जीत गए।
तो ये कई समीकरण आने वाले दिनों में बनेंगे, कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, इस तरह के समीकरण में एक दूसरे से बार्गेनिंग में आदमी अपनी कोशिश करेगा कि बेहतर से बेहतर उसको बार्गेनिंग पोजीशन मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए। तो अभी तो खेल ये शुरू हुआ है, ये जो प्री पोल अलायंस की घोषणा के बाद जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आखिरी में क्या स्वरूप और क्या प्रारूप होगा बिहार की राजनीति का चुनाव से ठीक पहले जब वोट होते हैं, वो अभी देखने वाला होगा और बहुत काफी रोचक होने वाला। और एक रोचक खबर और आई है सुमित, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि जेडी जो उनके खिलाफ उन्हीं की पत्नी ऐश्वर्या राव को मुकाबले में उतारने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वो हो सकता है क्योंकि उनकी पत्नी भी राजनीतिक परिवार से आती है, उनके पिता दुर्गा प्रसाद राय जो हैं वो मंत्री रहे हैं और उनका काफी, लालू यादव तो 1989 में मुख्यमंत्री बने, उससे कई साल पहले उनके परिवार में लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। तो वो उसके दो वजह होंगी अगर जेडी उतारती, एक तो ये कि एक आप आरजेडी के एक बड़े नेता को, उनकी लालू के बेटे को उनकी सीट पे आप फंसा रहे हो, दूसरा आप एक जो आरजेडी के खिलाफ जेडीयू का कैंपेन रहता है परिवारवाद वाला, या साथ में जेडीयू का एक अपना कैंपेन रहता है कि महिला सशक्तिकरण वाला, बिल्कुल एक नीतीश कुमार की अपनी महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको उन्होंने नर्चर किया है, कई स्कीम्स चलाई है, ये सब मैसेजिंग को एक तरह से आप रीइंफोर्स करते हो इस तरह के इलेक्शन से, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, वो अगर अपने पति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो स्टेटमेंट्स देंगी या परिवार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या स्थिति है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है, रेजोनेंस जो है उस क्षेत्र से बाहर निकल के और क्षेत्रों में भी जाता है, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की तरह हो सकता है जेडीयू उसका इस्तेमाल करना चाहे। और हाँ, वैसे भी जो ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय हैं वो जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जेडीयू लगातार आरजेडी पर परिवारवाद को लेकर निशाना लगाता रहा और अब उन्हीं के परिवार की बहू इनकी अगर उम्मीदवार बनती है तो आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। एक दूसरी भी एक खबर है सुमित की, जो बाहुबली आनंद मोहन सिंह जो कि फिलहाल जेल में बंद है, उनकी पत्नी लवली आनंद भी आरजेडी में आज शामिल हो गई है, तो क्या अब ये देखा जाए कि आने वाले समय में अब इसी तरह की खबरें आती रहेंगी कि जो भी बाहुबली जेल में है, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, उनकी पत्नियां इसी तरह से आकर राजनीति में उतरेंगी या उन पार्टियों का दामन थामेंगी जहां से कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति जेल से रिहा हो सकते हैं? देखिए हिंदुस्तान में जो चुनाव होता है ना वो मेला टाइप का होता है, उसमें मतलब जैसे हफ्ते में या महीने में मेला लगा तो सब लोग आते हैं, अपना अपना खरीदारी करते हैं जाते हैं, तो चुनाव में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना असेसमेंट करती हैं और बहुत माइक्रो लेवल पर असेसमेंट करती है, जैसे हम लोग के पास तो ना वो डेटा होता है और ना हमारी क्षमता है, कई बार पत्रकार लोग नेताओं को बताने की कोशिश करते हैं क्या सही है क्या गलत है और नेता बहुत शालीनता से सुन भी लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का काम 24 घंटे राजनीति करना होता है और कौन बूथ में कहां कैसा वोटर है, किस क्षेत्र में कौन आदमी कैसे वोट करेगा, जिन आदमियों को इन चीज की जानकारी अपने फिंगर टिप्स पे होती है वो सुन तो लेते हैं, लेकिन शायद मनी मन हंसते भी होंगे। बहरहाल जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने असेसमेंट बहुत माइक्रो लेवल पर करती हैं कि भाई इस क्षेत्र में या इस जिले में या इस विधानसभा में फला आदमी है, ये कास्ट है, ये अपोजिशन उतार रहा है, तो उनके विपक्ष में अगर हम इनको उतारते हैं तो इस कास्ट के हैं, उससे क्या आसपास के इलाकों में भी प्रभावित होगा कुछ इलाकों में जी। तो वो सब असेसमेंट करके वो अपने कैंडिडेट्स देते हैं और उतारते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे रघुवंश बाबू का जो देहांत हुआ उससे पहले भी उन्होंने से चिट्ठी लिखी, तो एक आरजेडी को राजपूत वोट तो मिलता रहा है वहां पर, एक अपर कास्ट कम्युनिटी राजपूत कैसी रही जो आरजेडी को वोट देती है पॉकेट्स में, बीजेपी और जेडीयू ने बहुत तगड़ी उसमें सेंध मारी है पिछले 5-7 साल में जी। तो जैसे अब वैशाली सीट से यहाँ रघुवंश बाबू हारे तो वहां रामा सिंह को उन्होंने, बाहुबली थे जिन्होंने रघुवंश जी को हराया था, तो पार्टी ने आरजेडी ने दिया, अगर ये आती है पार्टी में तो एक कास्ट को भी आप मैसेज देने की कोशिश करते हो। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले इस तरह की चीजें होती है और जिनको कहीं बड़ी पार्टीज का दामन नहीं मिलता फिर वो छोटी पार्टीज
से चुनाव लड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं और कहीं इक्वेशन बैठ जाते हैं, इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। इन लोगों की राजनीति बेसिकली अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने की और अपने को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने की राइट उसकी है, और उसी के तहत आपको इस तरह के कैंडिडेट्स जो हैं आते जाते इस दल से दूसरे दल या राजनीति में अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश करते हुए दिखते हैं, और चुनाव में भी यही होता है, चुनाव में भी यही होता है। चलिए अब सुमित, आखिरी सवाल मैं बिहार की सियासत से बाहर निकल कर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल एनडीए से जुड़ा हुआ है। एनडीए को झटका लगा है, अकाली दल एनडीए से अलग हो गई है और कृषि बिल के विरोध को लेकर अकाली दल ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन 1.5 साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में अगर ये रिश्ता जिस तरह से टूटा है, तो अगर हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद होगा, या बीजेपी को इससे बहुत नुकसान होगा, या फिर अकाली दल के अलग होने से अब पंजाब में बीजेपी के पास एक नई सियासी पारी खेलने के लिए पूरा मैदान खाली है? देखिए, पंजाब की राजनीति को अगर आप देखें वहां पर, तो दो दो या तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको मिलती हैं। एक तो आपको सिख कम्युनिटी है, एग्रेरियन कम्युनिटी है, फिर आपको कुछ इलाकों में ऐसा है जिनकी कहते हैं कि अर्बन एरियाज में खासकर जो हिंदू वोटर है, और बीजेपी इन जनरल कांग्रेस के साथ अर्बन एरियाज में जो हिंदू वोटर है उसके लिए कॉम्पीट करती है। तो बीजेपी और एसएडी का जो अलायंस है वो इस तरह का है कि एसएडी एक एग्रेरियन गांव देहात में जो उसका वोटर है, एग्रीकल्चर में काम जुड़ा हुआ है, फार्मर है जी, उसकी पार्टी है, और वो बीजेपी जो है उसको एक सपोर्ट बेस देती है शहरों में एक हिंदू वोटर्स का, तो वो कॉम्बिनेशन इस तरह से चलता रहा जी। बीजेपी का रूरल पंजाब में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं सिख उसमें, तो बीजेपी का अलग होना, एसएडी का अलग होना बीजेपी के लिए जो काम करने का या उनके लिए जो जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सिर्फ अर्बन क्षेत्रों की बस्ती है, ज्यादातर वहीं पर उनको अपना जो गुणा भाग फायदा नफा नुकसान देखना होगा, और वहां पर भी ज्यादातर उनको कांग्रेस से लड़ाई होती है। कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा चंक अर्बन वोटर का लेके जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लुधियाना सीट में, अब लुधियाना सीट में पिछली बार जो था 2014 में मनीष तिवारी जीते थे, 2009 2014 चुनाव नहीं लड़े, तो वहां से बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस के पास, ये कैसे जीतेंगे, कौन होगा, तो उन्होंने बेन सिंह के जो पोते थे उनको वहां से उतारा, और क्योंकि अर्बन हिंदू सीट है उसका कैरेक्टर है, और बेन सिंह ने वहां सिख मिलिटेंसी खत्म की, तो वो एक ऐसा माहौल बना कि इतने लोग हारे लेकिन बेन सिंह के पोते लुधियाना में जीत गए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए रूरल इलाकों में कैसे अपनी पहुंच बनानी है सिख कम्युनिटी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अकाली दल को दिक्कत क्या आ रही थी, अगर इस फार्म बिल पर अगर इतना ज्यादा विरोध था गांव देहात में, और अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी केटर नहीं कर रहे थे या करते हुए नहीं दिख रहे थे, तब तो वो कांग्रेस के लिए खुला फील्ड छोड़ रहे थे। तो फिर कांग्रेस के लिए चैलेंज करने के लिए उनके पास कोई इशू ही नहीं रहता। तो उन्होंने एटलीस्ट इस मामले पर अपनी वापसी करने की कोशिश की है, ताकि अगले साल के चुनाव में जब वो अपने वोटर के पास जाएं, तो कम से कम इस इशू को लेके जा सकें कि इस मुद्दे पर हमने एक कड़ा स्टैंड लिया। 22 साल पुराना रिश्ता हमने एनडीए के साथ थोड़ा। तो चलिए सुमित, आज इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल नमस्कार।